अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश ने घूसखोर पटवारी को अलग अलग मामलों में सजा सुनाई है। पटवारी को 4 साल की सजा सुनाए जाने पर जेल भेजा गया है। दरअसल मामला जवा तहसील का है, जहां पदस्थ पटवारी रामदयाल मिश्रा हल्का बरौली के द्वारा जमीन के नामांतरण, खसरा सुधार और कंप्यूटर में फिट करवाने के नाम पर किसान कृष्ण कुमार तिवारी से रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित से पटवारी के द्वारा 1,000 और शराब की मांग की जा रही थी, ना देने पर उसका काम नहीं किया जा रहा था, जिसकी शिकायत कृष्ण कुमार तिवारी ने लोकायुक्त एसपी से कर दी थी। लोकायुक्त पुलिस ने आरोपी रामदयाल मिश्रा को 1,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था, जिसका चालान न्यायालय में पेश करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई की और अलग अलग मामलों में आरोपी पटवारी को सजा सुनाई है। आइए सुनते हैं मिली सजा के संबंध में सहायक मीडिया प्रभारी ने क्या जानकारी दी है। इसमें माननीय विशेष न्यायाधीश पीसी एक्ट रीवा डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा ये रामदयाल मिश्रा पटवारी हल्का बरौली तहसील जवा, इनको भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और धारा 13 के तहत दंडित किया गया है और धारा 7 के तहत 3 साल का कारावास, धारा 13 के तहत 4 साल का कारावास दिया गया। मामला ये था कि शिकायतकर्ता थे कृष्ण कुमार तिवारी, उनके पिता रामदास तिवारी को बरहुला और पाती कुठार दो गांवों में अलग अलग ज़मीनें मिली थी। उन ज़मीनों का नामांतरण हो गया था। नामांतरण के बाद जो पटवारी की जिम्मेदारी होती है कि उनका खसरा सुधार करे, ऋण पुस्तिका बनाए और कंप्यूटर पर अपडेट करे खसरा। ये रामदाल मिश्रा थे, ये अपने काम में हिलावाली कर रहे थे। जब इनके रामदास के पित्र शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार तिवारी रामदयाल से मिले तो पटवारी द्वारा 1,000 रुपये की मांग की जा रही थी, रिश्वत की मांग की जा रही थी। इन्होंने तहसीलदार को भी आवेदन दिया, तहसीलदार ने निर्देश भी दिया रामदयाल को, उसके बावजूद ये लगातार 1,000 रुपये और शराब की मांग को लेकर अड़े रहे। शिकायतकर्ता ने शिकायत की पुलिस अधीक्षक महोदय से लोकायुक्त में, उन्होंने शिकायत की जाँच कराई, जाँच में शिकायत सही पाई गई तो दिनांक 3/8/2016 को ट्रैप आयोजित किया गया। शिकायतकर्ता जब पैसा लेकर गया तो ग्राम पंचायत अतरैला के भवन में रामदयाल मिश्रा बैठे हुए थे, वहीं उन्होंने इनसे 1,000 रुपये लिए और अपने जेब में डाल लिए। मामला विशेष न्यायालय के समक्ष आया, ट्रायल के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया उससे माननीय न्यायालय सहमत रहे और अभियुक्त को जेल भेज दिया। हाँ, दोनों धाराओं में अलग अलग 2,000 रुपये का दंड लगाया गया। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।